ये बात याद रखना है कि आपके स्किन है या हेयर है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बॉडी। ये कोई अलग सी चीज नहीं है, ये अलग दिख रहे हैं, इसका नाम अलग है, बट ये पार्ट ऑफ द बॉडी है। जैसे आपका हार्ट है, लंग्स है, वो आपकी बॉडी का पार्ट है। वैसे स्किन इज ऑल्सो एन ऑर्गन, तो वो भी एक बॉडी का पार्ट है। बाल भी आपके, हेयर्स भी आपके बॉडी के पार्ट है। और हर एक ऑर्गन के जो न्यूट्रिशन है वो सेम ही जगह से आता है, फूड से आता है, राइट। तो वो सेम ही तरह से बॉडी में डिसमिनेट होता है। तो इसीलिए इसको अलग से ट्रीटमेंट करेंगे कि ये एक अलग पार्ट है, इसको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने अपना डाइट का ध्यान रखा तो मान लीजिए आपने 90% ध्यान रख ही लिया, ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात यह है, जैसे आपने एक्ने की बात की, एक्ने एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट। ये तभी होता है जब बॉडी में जो टॉक्सिन जम जाते हैं वो नॉर्मल रूट से एक्सक्रीट नहीं हो पाता है, तो बॉडी क्या करता है, स्किन के माध्यम से एक्सक्रीट करने की कोशिश करता है। तो जिसे हम एक्ने बोलते हैं, बॉयल्स बोलते हैं, पिंपल बोलते हैं, कोई भी नाम, सिस्ट बोलते हैं कई बार, राइट, ट्यूमर बोलते हैं कई बार। तो ये सारे उसके फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म है, राइट। तो जब भी कभी ऐसे एक्ने हो, पहली बात तो एक्ने कम कैसे हो, बात मेरा आंसर वही है कि आप अपने ब्लड को प्यूरिफाई कीजिए, जिसके लिए 4 महीने लगते हैं। आप प्यूरिफाई कैसे करें, मेरा आंसर वही रहेगा, 50% याद कीजिए, अभी मैंने बताया था। तो एक्ने अपने आप ही होना कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। लेकिन जब तक अपने एक्ने कम नहीं हो रहा है, तो अगर कहीं पे वो पिंपल या बॉयल आ ही गए हैं तो उसे छेड़िए मत, उसे छेड़िए मत, उसे खुला छोड़ दीजिए, ना तो उस पर क्रीम लगाइए, ना उसको बार बार छेड़िए। तो वो एक स्टेज पे आके अपने आप ही वो सूख जाएगा, और एंड दैट इज द एंड ऑफ द एक्ने। और उसके जाने के बाद उसके निशान भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसे बच्चों की आदत होती है, टीनेजर्स की आदत होती है, जब मैं भी टीनेजर था तो एक्ने होता था, तो उसको खरोंचने की आदत या क्लेरेसिल नाम के इस तरह के कुछ ऑइंटमेंट आते थे और अब भी आते हैं, जिसको लगा के लगता था कि वो फटाफट चला जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे इस तरह की क्रीम लगाएंगे तो जिस स्पीड से वो एक्ने वहां से जाएगा, उसी स्पीड से या उससे भी ज्यादा स्पीड से एक और जगह एक्ने वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो मतलब ये कि आप सिर्फ उसकी जगह को रीलोकेट कर रहे हैं, एक्ने को खत्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी जगह को रीलोकेट कर रहे हैं, पहली बात। और साथ में वहां जो एक्ने जाने के बाद भी एक छोटा सा निशान छोड़ ही जाएगा। तो स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली किसी भी तरह के कोई भी केमिकल, कोई भी क्रीम गलती से भी यूज ना करें। बल्कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा, स्किन के केस में जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं, ये स्किन का जो डर्मा पूरा एक लॉबी है, या इसका जो एक पूरा एक डिपार्टमेंट है, ये पूरा का पूरा एक फ्रॉड डिपार्टमेंट बोलूंगा, फ्रॉड डिपार्टमेंट, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। क्योंकि जो स्किन में प्रॉब्लम है वो स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, स्किन में प्रॉब्लम जो दिख रही है वो स्किन की वजह से नहीं है, ना स्किन का प्रॉब्लम है, वो आपके ब्लड का प्रॉब्लम है। वो ब्लड का प्रॉब्लम है, वो प्यूरिफिकेशन का प्रॉब्लम है, हो सकता है वो किडनी की प्रॉब्लम है, हो सकता है वो फूड की प्रॉब्लम है, लेकिन वो स्पेशली स्किन का प्रॉब्लम नहीं है। स्किन क्योंकि सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, जब बॉडी किसी भी तरह से पीछा नहीं छुड़ा पाती कुछ केमिकल से, कुछ कुछ टॉक्सिन से, तो स्किन का रास्ता अपनाती है। कि स्किन का रास्ता अपनाने का मतलब वो प्रॉब्लम स्किन की वजह से नहीं है, बल्कि स्किन ने तो उस प्रॉब्लम को बाहर निकालने का एक मौका दे दिया। तो हम स्किन को ठीक नहीं करेंगे, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें स्किन का प्रॉब्लम नहीं तो स्किन को क्यों ठीक कर रहे हैं। तो ऑइंटमेंट क्रीम, आपने पूछा कि टीनेजर को क्या करना चाहिए, जवाब ये कि क्या नहीं करना चाहिए, कि अगर एक्ने वगैरह हो गया तो उसे छेड़िए मत, उसे क्रीम मत लगाइए, उसे सिंपल पानी से धो लीजिए, जैसे मुंह को 3-4 बार धोते हैं, बस वही वही काफी है। उसको ज्यादा आप साबुन लगाएंगे या फेस वॉश लगाएंगे इस तरह से, और ज्यादा ही कुछ करना है तो नींबू के पानी से धोइए। आप एक गिलास पानी लीजिए थोड़ा गर्म, और उसमें एक नींबू निचोड़िए और उसी से मुंह को धो लीजिए, वो बड़ा अच्छा रहेगा। या उससे भी ज्यादा जिनको स्किन की प्रॉब्लम है, तो आप नहाते वक्त क्या कीजिए, या आधा किलो या 1 किलो नीम लीजिए, नीम के पत्ते उसे कूट लीजिए थोड़ा सा, फिर उसको 2 लीटर पानी में उबालिए, और पानी जब 1 लीटर रह जाएगा तो उस पानी को छान लीजिए। तो 1 लीटर पानी को 1 बाल्टी पानी में डालिए, और फिर उस पानी से आप नहाइए, और नहाते वक्त जो स्किन को आप क्लीन करेंगे, खासतौर पे ऐसे स्किन सेंसिटिव स्किन है, तो वहां पे आप नींबू की पानी से 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एक एक नींबू पूरा निचोड़िए, और उस एक आप कॉटन ले सकते हैं या फिर आप कपड़ा ले सकते हैं, और कपड़े में नींबू वाला पानी आपने सोक कर लिया, फिर हल्के 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 आपने मसाज किया या रगड़ा, तो उससे आपको क्लींजिंग इफेक्ट भी आ जाएगा। और जो केमिकल्स हैं, राइट, हम में से बहुत सारे लोग, खासतौर पे बच्चे जो हैं, स्किन सेंसिटिव होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ केमिकल, एनी काइंड ऑफ सोप, क्लींजिंग एजेंट्स, राइट। तो याद रखिए, नींबू एक अच्छा क्लींजिंग एजेंट है, याद रखिए नीम ये अच्छा एक एंटीबायोटिक है स्किन के लिए,
तो ये दो चीज आप कर सकते हैं। और जहां तक रहा सवाल आपने बालों को का भी जिक्र किया, बालों के लिए जी एक नियम आप रख लीजिए, सभी के सभी नियम रख लीजिए जिनको बालों का ख्याल रखना चाहते हैं। सबसे बहुत सारे रेमेडी होते हैं, लेकिन एक रेमेडी मैं बताऊंगा, गेहूं के ज्वारे। गेहूं के ज्वारे आप उगाएंगे, हालांकि इस सीजन में अभी मेरे ख्याल से थोड़े दिन उगेगा, फिर वो सर्दियों में उगता, ज्यादातर सितंबर अक्टूबर से उगना शुरू हो जाता है। 3 महीने साल में आप गेहूं के ज्वारे घर पे उगाइए, और उस गेहूं जब वो ज्वारे जैसे बोलते हैं वीट क्रॉस, वो जब आप कम से कम 10 इंच का हो जाता है या 1 फीट का हो जाता है, तब तो उसको काटना है। काट के उसका जी 25-30 ml आपने उसका जूस निकाला, और उस जूस को लेके आपने सिर पे अच्छी तरह मल दिया, अच्छी तरह मल दिया, फिर आधे घंटे बाद नहा भी लिया। तो ये जो है, जिनके सफेद बाल होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, इस तरह की जो दिक्कतें हैं उसके लिए ये एक अच्छा रेमेडी होगा, खासतौर पर बच्चों के लिए, क्योंकि अभी उनकी एक स्टेज है जिस स्टेज में उनकी रिकवरी बड़ी बड़ी तेज होती है। तो वीट ग्रास थेरेपी 3 महीने साल में आप इसको रूटीन बना लीजिए। और उसके अलावा स्टेप 1 कि आप देखो कि कितना परसेंटेज बच्चे के खाने में रॉ जा रहा है, तो ये पता चल जाएगा, और कितना जाना चाहिए, एटलीस्ट 50% जाना चाहिए। मतलब पूरे दिन भर में अगर बच्चा समझ लीजिए 1 किलो या 1.5 किलो टोटल फूड क्वांटिटी वाइज खाता है, वेट वाइज, तो उसका 50% होता है 1.5 किलो का 750 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम वो कच्चा होना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स हो सकते हैं, कच्ची सब्जियां हो सकती हैं सलाद टाइप, या सब्जियों के स्मूदीज हो सकते हैं, सब्जियों के जूसेस हो सकते हैं, फ्रूट्स के स्मूदी हो सकती है, फ्रूट के जूसेस हो सकते हैं, नट्स हो सकते हैं, रोज थोड़े थोड़े नट्स बच्चे खाए, स्प्राउट्स हो सकते हैं, रोज थोड़ा बहुत स्प्राउट जरूर खाएं, खजूर हो सकते हैं। तो ये सारी वेराइटी है जो बच्चे के डाइट से पूरी तरह से मिसिंग है, पूरी तरह से मिसिंग है। तो बस ये छोटा सा बदलाव जैसे ही करेंगे कि आप ये ध्यान रखेंगे कि बच्चे के पूरे डाइट में 50% या उससे अधिक रॉ फॉर्म में है, किसी न किसी फॉर्म में, कब देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये आपके ऊपर है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और आजादी आपके पास है। इसमें मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, क्योंकि सिर्फ इतना इंश्योर कर लेंगे कि 50% तक देना है, कम से कम 50% देना है, तो ही सारे जो हेल्थ है वो रिवाइव होने लगेंगे। और वहीं पे उसी दिन से जिस दिन देंगे आप, देखेंगे within 3-4 days आपको उसका प्रभाव भी दिखना लगेगा। जो 50% वाला रूल करेंगे, ना तो स्किन की कोई दिक्कत दिखेगी, ना बालों की कोई समस्या दिखेगी, तो ऑटोमेटिकली वो सारे प्रॉब्लम होंगे नहीं, तो उसकी कोई सोल्यूशन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। कि हमारे बहुत ज्यादा पेशेंट, काफी पेशेंट जो DIP डाइट, जो आपके मैंने वीडियो काफी बार हमने इसका जिक्र किया, आप जिनको DIP डाइट नहीं पता, होलसम टेल्स की वीडियो देखेंगे पिछले कुछ समय की, तो आपको कई बार मिल जाएंगे।